Hello everyone, myself Shipra Joshi and today I'm explaining about the topic of servlet. Basically servlet hote kya hai, servlet ki use kyun hai, servlet kyun zarurat padti hai. Web pages banane ke liye, internet pe aap jitne bhi pages dekhte ho, un pages ke liye hum is tarah ki web development languages ka use karte hain. Ek koi bhi normal sa page banane ke liye hum HTML ke through ek normal sa page bana sakte. लेकिन HTML के थ्रू जो पेजेस बनते हैं वो स्टैटिक पेजेस होते हैं. स्टैटिक पेजेस नेचर में ऐसे होते हैं, जैसे सपोज मैं किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में डिस्क्राइब कर रही हूँ कि वहाँ पर इस तरह की लोकेशन है, तो ये पेज स्टैटिक है, जैसा आज दिख रहा है वैसे ही चार दिन बाद भी दिखेगा. डायनेमिक पेज वो पेजेस होते हैं जो रन टाइम पर अपने कंटेंट को कलेक्ट करते हैं, देन यूजर को डिस्प्ले करते हैं. तो डायनेमिक वेब पेजेस बनाने के लिए हम बहुत सारे मार्केट में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अवेलेबल हैं, उनमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो. जिनमें से अभी इस वीडियो के लिए हमने जावा को यूज़ किया. जावा में भी जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम वो सर्वलेट है. बेसिकली वेब पेजेस और डायनेमिक वेब पेजेस में डिफरेंस क्या होता है वो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे. बेसिक वेब पेजेस में क्या होता है, ये हमारा एक ब्राउजर है. यहाँ से ब्राउजर में आप कोई भी क्लाइंट साइड एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, आप ओपेरा यूज कर सकते हो, क्रोम यूज कर सकते हो, एनीथिंग जो आप ब्राउजर यूज करना चाहो. ये हमारा ब्राउजर है, ये हमारा वेब सर्वर है जहाँ पर हमारे वेब पेजेस रहते हैं जिनको हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं. वो हमारे लिए कहाँ पर अवेलेबल होंगे, सर्वर पर. सर्वर क्या करता है, क्लाइंट यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा. अगर हम किसी स्टैटिक पेज को देखना चाहते हैं तो वो स्टैटिक पेज यहाँ सर्वर पर पहले से स्टोर होता है और जस्ट हमारी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर पेज को फेच किया जाता है और क्लाइंट के पास प्रोवाइड कर दिया जाता है. लेकिन जो वेब पेजेस होते हैं, डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं. यहाँ पर हमारी कुछ हेल्पर एप्लीकेशन होती हैं जिनको हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन, जिनका काम क्या होता है, जो डायनेमिकली पेज को क्रिएट करने का काम करती हैं. डायनेमिकली पेज को क्रिएट करना, फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक पे लॉग इन हुई और मैंने अपने पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे मेरा होम पेज देखना है, तो सर्वर के पास एक रॉ डेटा में पेज अवेलेबल है जिसमें पूरा लेआउट फिक्स है, डेटाबेस है जहाँ पर सारा डेटा अवेलेबल है. मेरी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उस पेज से लेआउट लिया जाएगा, डेटाबेस से डेटा लिया जाएगा, दोनों को क्लब किया जाएगा और मेरी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मेरे पास भेज दिया जाएगा. तो इस तरह से जो पेज क्रिएशन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, वेब एप्लीकेशन में, हेल्पर एप्लीकेशन में. वो एक पेज एट अ टाइम क्रिएट किया जाएगा, वेब सर्वर को दिया जाएगा और वेब सर्वर उस रिस्पॉन्स को क्लाइंट के पास भेजेगा इन अ फॉर्मेट ऑफ HTML, एक HTML के फॉर्मेट में रिस्पॉन्स को भेजेगा. तो ये पूरा जो कंसेप्ट है ये होता है डायनेमिक वेब एप्लीकेशन. नॉर्मल स्टैटिक पेजेस बनाने के लिए तो हम HTML CSS से ही स्टैटिक वेब पेजेस बना लेते हैं, लेकिन अगर हमको डायनेमिक वेब पेजेस बनाने हैं जो कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. आजकल आप जितनी भी वेबसाइट देख रहे हैं उन सब में आपको जितने भी पेजेस दिखेंगे वो सारे कैसे होंगे, डायनेमिक वेब पेजेस होंगे. तो मार्केट में इसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू आप वेब पेजेस बना सकते हो डायनेमिकली. PHP है, PHP ओपन सोर्स है. बेसिक पे इसका स्टार्टिंग में इसका यूज़ ब्लॉगिंग के लिए किया जाता है, लेकिन आज आप इससे किसी भी तरह की वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो. और ऑप्शन में ASP है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स यूज़ करना चाहते हो या माइक्रोसॉफ्ट के वर्किंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो तो आप ASP यूज़ कर सकते हैं. रूबी भी है, रूबी एंड रेल्स है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, इस एप्लीकेशन स्केलेबल हो जाती है, आप बड़ी एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो ये इतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएगी. और जावा है, जावा में हमारे पास सबसे अच्छा कंसेप्ट है, जावा डायनेमिक है, जावा सिक्योर है, जावा स्केलेबल है, इसीलिए जावा ज़्यादा यूज़ की जाती है. तो जावा से ही हमने जो सर्वलेट वाला टॉपिक लिया है वो बेसिकली जावा से ही लिया है. तो ये पूरा एक सर्वलेट का कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हम करते क्या है, हम डायनेमिक वेब पेजेस बनाते हैं जिसके थ्रू वेब एप्लीकेशंस का डेटा हम क्लाइंट के सिस्टम पर शो करते हैं. अब कुछ बेसिक टर्मोलॉजी जो हम वेब एप्लीकेशंस सर्वर के बारे में बात करेंगे वो टर्मोलॉजी है, वेब एप्लीकेशन क्या होती है, सर्वर क्या होता है, HTTP क्या है, इन सारी चीज़ों को अपन धीरे धीरे कंसीडर करेंगे. सबसे पहले
सर्वर क्या होता है? सर्वर इज जस्ट अ मशीन दैट रन्स इनफाइनाइटली, ऐसी मशीन जो इनफाइनाइटली करे, रन करे, लेकिन अपने आप में कोई टास्क ना करे जब तक उससे रिक्वेस्ट ना भेजी जाए। जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग हमको रिस्पॉन्स करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने सर्वर को बोला कि मुझे एक पेज चाहिए, सपोज demo.html, तो वो अपने लोकेशन पे जाके सर्च करेगी, demo.html को फाइंड आउट करेगी और मुझे रिटर्न बैक करेगी। अगर मैं उससे कोई रिक्वेस्ट नहीं करूँगी तो वो कुछ भी काम नहीं करेगा। ये होता है हमारा सर्वर। अब वेब कंटेनर क्या होते हैं? वेब कंटेनर वो होते हैं जो यहाँ पर, ये जो हम वेब हेल्पर वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, ये सब क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पेज को डायनेमिकली सर्वर साइड एग्जीक्यूट करके रन करने का, डिस्प्ले करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी डायनेमिक वेब पेज को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट भेजी, मुझे कोई भी चीज़ एक्सेस करनी तो मुझे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। मैंने कोई डायनेमिक वेब पेज को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट भेजी तो वो रिक्वेस्ट सर्वर के थ्रू मेरे वेब कंटेनर के पास जाएगी। वेब कंटेनर उस पेज को प्रोसेस करेगा, अगर वो जावा का पेज है तो जावा को एग्जीक्यूट करके उसे प्रोसेस करेगा, रिजल्ट फॉर्म करेगा और उसे किसे प्रोवाइड करेगा, सर्वर को। सर्वर उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग HTML पेज क्रिएट करके क्लाइंट के पास भेजेगा। अब ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सेंड किसके थ्रू होगी? ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। HTTP प्रोटोकॉल है, मींस डेटा को सेंड और रिसीव करने का तरीका बताता है। इसके अलावा और भी जो प्रोटोकॉल होते हैं वो होते हैं SMTP, मेल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, फाइल ट्रांसफ़र, FTP प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बेसिकली HTTP डॉक्यूमेंट्स, HTML डॉक्यूमेंट्स को सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर आप टेक्स्ट भेज सकते हो, इमेजेस भेज सकते हो, ऑडियो वीडियो भेज सकते हो, ये सारी चीज़ें हम सेंड कर सकते हैं। HTTP प्रोटोकॉल के लिए एक बहुत की फैक्टर होता है कि ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस को कैसे मैनेज करना है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं इतना बता सकती हूँ कि स्टेटलेस मीन्स होता है कि ये हर रिक्वेस्ट को एक नई रिक्वेस्ट की तरह ट्रीट करता है। कोई भी रिक्वेस्ट आएगी उसके लिए एक फ्रेश रिक्वेस्ट है, ना उसके पहले की कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा, ना कोई बाद की इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा। वो रिक्वेस्ट लेगा, सर्वर के पास भेजेगा, रिस्पॉन्स लेगा और उसे क्लाइंट के पास रिटर्न बैक कर देगा। तो ये पूरी प्रोसेस क्या है, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू हमारा पेज रिक्वेस्ट होता है, सर्वर पर प्रोसेस होता है और रिस्पॉन्ड होके हमारे पास आता है। ये पूरी प्रोसेस होती है किसी भी वेब पेजेस को एक्सेस करने की। और अगर वो डायनेमिक है तो सर्वर पर एक काम बढ़ जाता है कि वहाँ पर सर्वर पर उसे प्रोसेस किया जाता है। डायरेक्ट रिजल्ट शो ना करके हम पहले प्रोसेस करते हैं, रिजल्ट बनाते हैं और फिर क्लाइंट के पास भेजते हैं। ये बेसिक फंक्शनैलिटी है किसी भी वेब एप्लीकेशन के रन होने की। इसके बाद सर्वलेट यूज करने के लिए जावा में एक सर्वलेट API है जिसका यूज करके हम खुद की सर्वलेट बना सकते हैं। खुद की सर्वलेट बनाने के लिए, खुद के डायनेमिक वेब पेजेस बनाने के लिए हमें उसे सर्वलेट API के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा। बेसिक जो सर्वलेट API है, जावा एक्सट्रॉट सर्वलेट पैकेज के अंदर हमें वो पूरी API मिलेगी। इसमें बहुत सारे इंटरफेसेस हैं, क्लासेस हैं, जिनमें से सबसे